चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव को देखते हुए भाजपा ने सभी प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया है। तो वहीं पर आज नामांकन के आखिरी दिन पर भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा। वार्ड नंबर 7 भाजपा प्रत्याशी मनु सोनकर ने कहा कि चंडीगढ़ में भाजपा ने विकास किया है, इस बार चुनाव में विकास के नाम पर ही वोट मिलेंगे। तो वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष दूर दूर तक उन्हें टक्कर नहीं दे रहा। मैंने आज नामांकन भरा है अपना, तो बहुत ही ठीक लगा। जो भारतीय जनता पार्टी ने, जो हमारी भाजपा पार्टी ने मुझ पर ये विश्वास जताया है और ये यकीन जताया है, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उस यकीन पे खरा उतरूं और पूरी मेहनत से, पूरी लगन से मैं काम करूँ। मेहनत की, फल की इच्छा नहीं रखी तो शायद कहीं ना कहीं भाजपा हमारी पार्टी को लगा कि हाँ भी मैं इसका हकदार हूँ, तो अपनी मेहनत के बलबूते पे जी किया है। देखते हैं जी, पड़े हैं अभी तो 20 दिन, 27 तारीख को पता लगेगा कि कौन जीतता है। चलो ये है कि हम तो अपने मेहनत करने पे विश्वास रखती है भाजपा पार्टी, फल तो परमात्मा दे गई। आम आदमी पार्टी को लेकर ठीक है जी, सारी पार्टियां अपनी जगह ठीक हैं, पर आम आदमी पार्टी ठीक है, पर जीतेंगे तो हम ही। चलो ये तो मैं पूरे काउंट नहीं करके बता सकता, पर ये है कि भी अच्छी बहुमत से जीतेंगे। भाजपा ने जो काम किया है पूरे चंडीगढ़ शहर में, हमारे काउंसलरों ने, हमारे MCO ने जो काम किए हैं पूरे शहर के अंदर, तो इसका बेनिफिट तो जरूर मिलेगा हमें और अच्छी बहुमत से जीतेंगे। चंडीगढ़ से अजीत झा की रिपोर्ट।